हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एमपी मंडल, सहायक प्राध्यापक, सहकन्या वैज्ञानिक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। मैं आज करेला के पत्तियों का औषधीय उपयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। करेला को अंग्रेजी में बिटर गोर्ड कहा जाता है। भारत में हर तरह की साग और सब्जी उगाई जाती है, उनका पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। करेला एक सब्जी है जो खाने में कड़वा होती है या हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। करेला भूख और पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। एक कहावत है, करेला खाए रोग को दूर भगाए। जरा सोचिए, अगर करेले में इतने गुण है तो इसकी पत्तियों कितनी फायदेमंद होगी। मैं सभी दर्शकों को आज करेला के पत्तियों के लाभ के बारे में 5 औषधीय उपयोग बताने जा रहा हूं। पहला, ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में रखना। डायबिटीज के लिए करेले की पत्तियों रामबाण इलाज है। इसकी पत्तियों खाने से शुगर का स्तर नियंत्रित रहता है, क्योंकि इसमें बेसिन BICIN और पॉलीपेप्टाइड P जैसे गुण पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रण में रखता है। सेकेंड पॉइंट, एंटी माइक्रोबियल गुण। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां है जो मूलतः बैक्टीरिया, फंगल या वायरस से होती है। करेले के पत्तियों में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो किसी भी तरह के त्वचा और पेट संबंधी बीमारी नहीं होने देती है। तीसरा औषधीय उपयोग है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करें। करेले की पत्तियों में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। विटामिन ए और विटामिन सी अच्छे एंटीऑक्सीडेंट है, जबकि विटामिन बी आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है। नेक्स्ट पॉइंट, कैंसर का उपचार करें। रोजाना करेले की पत्तियां खाने से किसी भी तरह के कैंसर को ठीक किया जा सकता है। कैंसर से कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। करेले की पत्तियों में मौजूद एंटी कैंसर कंपोनेंट्स कैंसर पैदा करने वाली कोशिकाओं में ग्लूकोज का पाचन रोक देते हैं, जिससे इन कोशिकाओं की शक्ति खत्म हो जाती है और कैंसर की संभावना भी। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च रक्तचाप को रोके। उच्च रक्तचाप में करेले की पत्तियों को रोज खाने से रक्तचाप सामान्य रहता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम और कैल्शियम पाया जाता है। पोटेशियम और कैल्शियम की मात्रा बढ़ाकर रक्तचाप कम किया जा सकता है। ये मिनरल्स उच्च रक्तचाप के जिम्मेदार सोडियम का स्तर बढ़ने से किडनी को होने वाले नुकसान से बचाया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको डॉक्टर एमपी मंडल सर द्वारा दी गई जानकारी
बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल मेडिसिनल गुरु को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है या कुछ सुझाव है तो आप अपने सवाल या सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।